जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और LG विंग और इस फ़ोन से आप लाइक रजनीकांत वाला स्टाइल मार सकते हैं। और ये मेरे पास पिछले कुछ दिन से था, बट बीच में हमने कुछ और वीडियो दिया था। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा एंड मैंने क्या किया हुआ है। ट्विटर से भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं प्रैक्टिकल, जो यूज़र्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो मैंने मतलब फ़ोन तो बाहर आ चुका था, बट इसके अंदर बताता हूँ आपको क्या क्या है। टाइप सी केबल एंड चार्जर जो इसका है, यहाँ पर ना जो आउटपुट है 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर मीन 16 वोल्ट के अराउंड। इसके अंदर ईयरफोन होना चाहिए, बट एक्चुअली ये ईयरफोन कनेक्टर है तो ईयरफोन तो नहीं है। एंड अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं किया था, फ़ोन यूज़ कर रहा था मैं। काफ़ी प्रीमियम सा एक बैक कवर है, तो एकदम साइज का है। इसके बाद भी इजिली स्विंग हो जाता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ है। ओके, ये मुझे बहुत सही लगा। तो ये मिनी डिस्प्ले के लिए और ये मेन डिस्प्ले के लिए इन्होंने दे रखा है, काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप लगा। रीज़न ये है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले जो ये स्मॉल वाली डिस्प्ले है ना, इसके साइड साइड में ना यहाँ पर ये एक प्लास्टिक सा है जो बिल्कुल डिस्प्ले से हल्का सा ऊपर है, तो लाइक ये इस पे स्क्रैच नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा इस तरफ से प्रेस करके इस तरह से स्लाइड कर दो तो ये ना कॉर्नर पे डिस्प्ले के ऊपर से जा सकता है, हल्का सा टच होता हुआ। तो ये लाइट आप देख सकते हो, इसके बीच में ना एक हल्का सा गैप मिल जाता है। तो फ़ोन को स्लाइड करते टाइम अगर इसके अंदर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल हुआ ना तो स्क्रैच आ सकता है, इसीलिए ज़रूरी है। प्रोटेक्टर अच्छा हुआ दे दिया क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं। हालांकि इसके बैक पोर्शन जो ये प्लास्टिक है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक हल्का सा पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लास्टिक है, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट प्लास्टिक है। इससे तो कभी भी स्क्रैच नहीं आएगा इस पर। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सोचो मत, प्लीज़ सब्सक्राइब, 1 मिलियन पे काफ़ी दिन से जाने की सोच रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे इसकी जो प्राइसिंग है 70,000 रुपये, और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पर 70,000 रुपये में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765 5G प्रोसेसर है, बट 70,000 दे रहे हो आप इसके लिए। लेकिन इस फ़ोन की जो मेन खासियत है आपको पता ये है, बाकी ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी भाई ये कमाल है। LG ना बहुत सारे कमाल करता है और ये सच में तारीफ के लायक है। डिफरेंट सा कुछ चीज़ LG ट्राई करता है, ये मुझे LG की तरफ से बहुत पसंद आती है चीज़ें। और हमने पहले भी नोटिस किया, जैसे एक फ़ोन याद है आपको सैमसंग गैलेक्सी A80 आया था, उसमें डबल स्लाइड मैकेनिज्म था। उस फ़ोन में उस टाइम था स्नैपड्रैगन 730 और उसका जो रेट था वो था 48,000। इवन एक फ़ोन जो BBD सेल में काफ़ी कम प्राइस पे मिला था, वो भी एक महंगे प्राइस पे आया था, LG G8X। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो फ़ोन आते हैं ना, एक अलग तरह से यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और जब भी फर्स्ट टाइम आते हैं तो उसका प्राइस देखा गया कि ज़्यादा होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ मिलता है, तो 70,000 का प्राइस है। यहाँ पे IP68 नहीं मिलता ना, यहाँ पर कोई अलग तरीके से आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी बहुत से प्लस पॉइंट भी है इसके अंदर, जैसे कि मेन कैमरा जो है यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है, वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है। और अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये ना मैट फिनिश के साथ आता है, ग्लास बैक, और नो डाउट ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, बटन शेप में जो इसका कैमरा लेआउट है, ये सारा मिलके इस फ़ोन को डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक देता है और प्रीमियम फील भी देता है। अब आपको एक चीज़ नोटिस होगा कि ये फ़ोन थोड़ा थिक है, हल्का मोटा फ़ोन है ये, और भारी फ़ोन भी है, 260 ग्राम। LG ने काफ़ी अच्छी से वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये मैकेनिज्म की वजह से भी यहाँ पे अंदर यूज़ हुआ है। अगर आपने जेरी रिक की वीडियो देखी होगी या फिर आप जाके देख सकते हैं, अंदर ना काफ़ी ऐसे अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म यूज़ हुआ है जिसकी वजह से ये ओपन होता है, स्प्रिंग है, तो उन सबसे भी वेट ज़्यादा होता है। फ़ोन ज़्यादा ऐसे चौड़ा सा नहीं है, जिसकी वजह से फ़ोन आप डेफिनेटली आप देख सकते हो। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है 6.8 इंच, लेकिन सिंगल हैंड से फ़ोन को हल्का सा ऊपर नीचे स्लाइड करके आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये एक फुल HD डिस्प्ले है, हालांकि LG चाहता तो ईजिली इसमें क्या कर सकता था, थोड़ा इसको स्पेशल बना सकता था, लाइक हाई रिफ्रेश रेट दे देता, या फिर इसका जो क्वाड HD इस तरह की डिस्प्ले ऐड की जा सकती थी। और ये एक POLED डिस्प्ले बोलता है सैमसंग माफ करना, LG का खुद का POLED है। ये POLED क्या है, लाइक इसके अंदर ना प्लास्टिक के सबस्ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से इसको ना ईजिली किनारों से, अगर आप देखो ना, थोड़ा सा कर्वी डिस्प्ले है, ज़्यादा कर्व नहीं है, बस किनारों से हल्का कर्वी है। ईजिली इसको हम ना किसी भी शेप में, फोल्डिंग डिजाइन में, ऐसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी फीचर है वो AMOLED या फिर OLED डिस्प्ले आप कह सकते हो। और इन्होंने एकदम कन्फ्यूज़ कर रखा नेमिंग में, नीचे वाली जो डिस्प्ले ना 3.9 इंचेस, यानी कि 4 इंच कह सकते हो आप, ये GOLED है, अब G4 ग्लास। और दोनों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो हल्का सा कलर डिफरेंस देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं है ये डिस्प्ले।
अब आपके मन में वही आएगा कि सेकंड स्क्रीन का क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज वो है, आप वीडियो देखो और नीचे चैट कर सकते हो, मैसेज करना हो या फिर वीडियो कॉलिंग के टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, दूसरी स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। आई विश की YouTube देखते देखते नीचे कमेंट सेक्शन रीड कर सकते हैं। दूसरी डिस्प्ले पे कुछ चीजें ऑप्टिमाइज भी नहीं है सेकंड स्क्रीन के लिए, जैसे व्हाट्सएप सब यूज करते हैं ना, ये नीचे वाली स्क्रीन पे अगर आप देखोगे शो ही नहीं होता आइकन्स में कि व्हाट्सएप यहाँ पर कहाँ है। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, स्मॉल वाली स्क्रीन पे YouTube प्ले करना पड़ेगा, बड़ी वाली स्क्रीन पे व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ेगा। सेम केस ट्विटर के साथ मैं देख रहा हूँ, ये जो नीचे डिस्प्ले है ना इसके अंदर ट्विटर शो ही नहीं होता, मतलब जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वीडियो वाला पार्ट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे और बड़े वाला काम आप ऊपर कर सकते हैं। इवन इनका जो और भी कुछ टाइपिंग वगैरह है ना, आप बड़ी सी मेन स्क्रीन पे टाइपिंग कर सकते हैं, ये काफ़ी कमाल का लगता है। लेकिन ये भी वैसे ही है, व्हाट्सएप वगैरह में अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसको हम मिनी स्क्रीन पे रन ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनके खुद के मैसेज या सेटिंग वगैरह में कई कुछ नोट्स बनाने हो वहाँ पर ये काम आएगा। बाकी इस डिस्प्ले को आप कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। इवन आप इसको ना स्मॉल सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टाइप, ऊपर कुछ चल रहा नीचे टाइमिंग देख सकते हैं। इवन कुछ गेम्स में जैसे ये एस्फाल्ट 9 है ना, इसमें मैप शो करता है, काफ़ी कूल लगता है। लेकिन बहुत सारी गेम में ये अलग से कुछ भी शो नहीं करेगा, वहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि गेम लॉन्चर टाइप होते हैं ना उस तरह से। तो डिपेंड करता है फ्यूचर में कितना ऑप्टिमाइज्ड होगा ये चीज़। लेकिन हाँ, वीडियो देखते हुए, नोट्स बनाते हुए, चैटिंग करते हुए, इन सब में जो ये एक सिस्टम है, डेफिनेटली इस डिस्प्ले का यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और एक गिम्बल मोड है, जैसे इसको स्विच करते हैं तो ये गिम्बल मोड में चला जाता है। नीचे पूरे कंट्रोल्स दे रखे हैं, इसको आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरीके से ना कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ये करता क्या, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करता है, इसलिए यहाँ पे तीन कैमरे हैं। एक तो 64 मेगापिक्सल का मेन है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और सबसे ऊपर गिम्बल वाले के लिए अलग से अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है। लेकिन है क्या कि ये क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज होता है, और आपको पता है कि मेन कैमरा जो होता है उसमें एक तो OIS मिलता है और वो बेटर रिकॉर्डिंग कर सकता है, आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों का। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इतना नेक्स्ट लेवल की रिकॉर्डिंग नहीं करता, बट हाँ ये एक काफी कूल सा लगता है। नहीं तो आप गिम्बल मोड में आप फुल HD तक जा सकते हैं, जबकि मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस मिलेंगे, और इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं। और इस पर आई एम श्योर, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, आपने कई सारी वीडियो देख लिया होगा, इसीलिए मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले लिए जाए आपके, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सेकंड स्क्रीन कितना प्रैक्टिकल है, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वही लगा, वीडियो देखते टाइम चैटिंग करना और नोट्स एक तरीके से आप कुछ ऊपर रीड कर रहे नीचे नोट्स आप बनाते रहो, इन काम में ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। और पूछा गया कितनी एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज्ड है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एप्लीकेशंस काम करती हैं। सारी एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज नहीं, बट ये LG की आप नीचे जो एप्लीकेशंस देख रहे हो ना सेकंड स्क्रीन पे, इसमें काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन है इन एप्लीकेशंस की। परफॉर्मेंस कैसा है, तो 765G के साथ जैसे मैंने फ़ोन टेस्ट किए हुए, नोड है उसके बाद और भी कुछ फ़ोन है उनको जब मैंने टेस्ट किया हुआ है, कुछ वैसा सा ही परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली 70,000 में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप और बेटर गेमिंग कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इट डिपेंड्स, लेकिन वहाँ पर ये जो टेक है ये नहीं मिलेगा शायद, इसी वजह से जब हम इसको ओपन क्लोज करते हैं तो जो इसका एनिमेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ फील नहीं होगा, बहुत फास्ट फील नहीं होगा। बाकी 5G है तो उसके बैंड के बारे में पूछा गया था, तो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पर कितने बैंड है ये तो नहीं मिला, लेकिन ये कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, LTE+ का सिग्नल शो कर रहा है। और साथ में बैटरी आउटपुट पूछा था मुझसे आपने, तो 4000 mAh है, नंबर को साइड में करते हैं, लेकिन 4 hours 15 minutes, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम लगा। और जो आपने ड्यूरेबिलिटी के बारे में पूछा, तो ये भाई काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन से पास है, इवन 2,00,000 बार टेस्टेड है ये, LG का कहना है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ड्यूरेबल है। बाकी यस, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है, डस्ट वगैरह से जितना दूर रहे उतना ही ज़्यादा एक लाइफ लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जब ये लोग 2,00,000 बार टेस्ट करते हैं तो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। सेम पॉपअप कैमरे के साथ लागू होता है, इसके साथ भी। बाकी LG का फ़ोन है, मुझे लगता है ये चीज़ ड्यूरेबल होगी। सिंगल स्पीकर मिलता है, उसकी जो क्वालिटी है वो सिंगल स्पीकर जो बाकी फ़ोन में आते हैं उनसे बेटर है। बाकी इसके जो डायलर है वो गूगल डायलर नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए जिसको जरूरत हो। तो UI इसका बहुत स्पेशल नहीं है, बट बहुत बेकार भी नहीं है, तो UI एक्सपीरियंस इज ओके। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा था इसका कैमरा कैसा है, तो कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, बट डेफिनेटली 70,000 में ना आपको और भी फ़ोन मिल जाएंगे जिनमें कैमरा थोड़ा और बेहतर मिलेगा। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है,
मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ, बट हाँ इसका जो प्रोसेसर है आई विश ये एक बेहतर होता 70,000 वाले की जैसे फ्लैगशिप से कंपेयर कर सकते थे तब हम इसे, बाकी सब कुछ मुझे काफ़ी कमाल का लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।